कि देखिए हमें ने हमें कोई परेशानी नहीं हमने तो ब्लू देखा नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि अर्थ के चर्चा के बाद वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जरूर फोन करके पूछेंगे कि जब ब्लू आया नहीं बच्चा पैदा हुआ नहीं तो मुंडन करने क्यों बैठ गए आप अब रुक जाइए रेहानी जी जो रूल का आप अभी हवाला आनंद रंगनाथन को दे रहे थे वही रूल आप ब्रेक कर रहे यही यूनिफॉर्मिटी नहीं है डिबेट कोड में ये सिविल कोड कहा मानेंगे ये डिबेट कोड में यूनिफॉर्मिटी नहीं मानते अब देखिए ये मंडली बड़ी विचित्र मंडली अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं आपको हो सकता है आप कहें कि पहले ड्राफ्ट तो लाओ शहजाद जी ड्राफ्ट बताओ ड्राफ्ट बताओ फिर हम बताए एनआरसी का ड्राफ्ट देखा था क्या सड़कों पे उतरने से पहले ड्राप देखा नहीं पर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस बड़े बड़े वक्ता बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये एनआरसी आएगा यह ऐसा होगा ये वैसा होगा दंगे कर दो शाहीन बाग में बैठ जाओ ये सब थे अब रुक जाइए तस्लीम रहमानी मुस्कुरा रहे हैं अच्छी बात लोकतंत्र के लिए अच्छी बात और साई दीपक भी मुस्कुरा रहे हैं यूनिफॉर्म लाफ्टर कोड है अब दूसरी बात देखें कम से कम एक चीज देखिए यहां पर भी हमारे विष्णु भाई है जय साई दीपक है तस्लीम जी है सैरा जी है दोनों ने सबने कहा कि हम बिना देखे नहीं बोलेंगे परंतु एक हिपोक्रेसी जानना बहुत जरूरी है साई दीपक और विष्णु जैन उस विचारधारा के हैं जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से संविधान का गला घोट उसके शरिया को संविधान के ऊपर नहीं रखते जब पसंद आए मन में तो संविधान जब पसंद आया मन में तो शरिया ये संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ही शाहबानू का फैसला सुनाया था ना आज पूछिए इनसे शाहबानू से लेकर शायरा बानु तक तो जो तीन तलाक का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है क्या मानने को तैयार है ये लोग क्या मानने को तैयार है तीन तलाक का भी वो भी विरोध करते हैं नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट कहे तो कहे ये कम्युनल एजेंडा है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है शाहबानू को मेंटेनेंस मिले जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तीन तलाक हो उसको खत्म करे कानून लाओ तो ये लोग कहते हैं इट्स कॉम्यूनल प्रोजेक्ट और आखिरी बात आपको नहीं चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छी बात है ठीक है आपने कह दिया केवल दो चीजें स्पष्ट कीजिए अगर ये आपके धार्मिक अधिकारों का इतना ही बड़ा हनन है इट इज सच असोल्ट ऑन द राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव then why you are not demanding every day and night that my criminal code should be according to sharia where you cut my hand if i'm caught robbing? <laughs> tomorrow morning i want mr. taslim rahmani standing in line demanding. Ki now i don't want uniform criminal code also. if ramesh and anand are caught stealing, they will be given one punishment. if taslim is caught stealing, his hand will be chopped off. please, to tomorrow morning you tell me, taslim, are you ready for it? Ah, you are ready for it? okay. But it's तो इसमें एक एग्जामिशन होना चाहिए हाँ, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए? चाहिए ये कि अगर जिहाद करेंगे तो वो शरिया में हो जाएगा। हाँ। जी, फुल यूनिफॉर्म सिविल कोड बट इस यूसीसी के नाम पे एक बीबीसी है यूसीसी के नाम पे बीबीसी ये है बहकाना भड़काना और चिल्लाना अब देखिए ये भैकाना भड़काना चिल्लाना कमिटी जो है जब यूसीसी गोवा में लागू हुआ 1960 के दशक में तब इनकी चहिती सरकार थी वहां पे तब यूसीसी कॉम्युनल नहीं था सेक्युलर था जब यूसीसी के विषय में सुप्रीम कोर्ट से लेकर 10 कोर्टों ने कहा कि यूसीसी आना चाहिए तब यूसीसी कॉम्युनल नहीं था यूसीसी सेक्युलर था जब नेहरू जी और बाकी सारे महानुभव संविधान की सभा में बैठकर यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाए तब यूसीसी कॉम्यूनल नहीं था वो सेक्यूलर था और आज जब हिमाचल गुजरात या कोई उत्तराखंड का स्टेट अपनी जनता से पूछ के यूसीसी के लिए पैनल बनाए तो हाय सांप्रदायिक माहौल फैल गया है डर का माहौल है ये किस प्रकार का ये बीबीसी चल रहा है ये दोहरे मापदंड है मैं भी कहा देखिए हमारी जिन भी सरकारों ने इसको इंप्लीमेंट किया अभिनव जी लास्ट टेन सेकेंड थर्टी सेकेंड्स लास्ट थर्टी सेकेंड जर कि देखिए हम यूसीसी के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित है संविधान के एक एक प्रावधान के प्रति हम पूर्ण तरीके से समर्पित है यह संविधान सहूलियत का डॉक्यूमेंट नहीं है कि यह पसंद आए तो ले लो वो पसंद नहीं है तो हटा दो हम संविधान के प्रति समर्पित है परंतु हां उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए जो जय जयसाय दीपक और विष्णु जैन ने आर्टिकुलेट की है वो सारी बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चा करने के हेतु ही जहां पर भी हम हमारी राज्य सरकारों ने जनता के पास से मैंडेट लिया इस विषय पर तो पहले पैनल और सर्व समाज के साथ उसके ऊपर चिंतन करके ड्राफ्ट लाने का काम किया जाएगा अभी ड्राफ्ट आया नहीं है जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है तस्लीम रहमानी उसका मुंडन कराना बंद करो